क्वेश्चन ये है कि एक यूनिफॉर्म स्प्रिंग है जिसका मास m, नेचुरल लेंथ l और स्प्रिंग कांस्टेंट k के इक्वल है। स्प्रिंग जब फिक्स्ड सपोर्ट से फ्रीली हैंग करता है तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन y के इक्वल है, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि स्प्रिंग के लोअर एंड से कितना मास सस्पेंड कर दिया जाए ताकि स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो y डैश के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रिजल्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर उस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। तो यहां पर यह स्प्रिंग है जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और नेचुरल लेंथ l है। नेचुरल लेंथ l का मतलब ये हो गया कि जब स्प्रिंग को स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा जाएगा तो स्प्रिंग का जो लेंथ होगा यही स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ होगा। ठीक है, और मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास कैपिटल M के इक्वल है। ठीक है, तो इस समय स्प्रिंग में इलोंगेशन मान लेते हैं Y नॉट के इक्वल है। Y नॉट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो यहां पर Y नॉट की वैल्यू होती है कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय 2 इंटू जी बाई के। ठीक है, तो इसी रिजल्ट को यूज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ब्लॉक के अब्सेंस में स्प्रिंग का इलोंगेशन y के इक्वल है, तो सबसे पहले हम कैपिटल n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y नॉट की वैल्यू y पुट करते हैं। सो दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू mg by 2q and this implies that y की वैल्यू 2 सेंटीमीटर में है। यहां पर हम y को सेंटीमीटर में लेते हैं और मास को ग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो जाएगा 2 इक्वल टू m की वैल्यू 50 है इंटू g डिवाइड बाय 2k। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन नेक्स्ट ब्लॉक के प्रेजेंस में स्प्रिंग का इलोंगेशन y डैश है, तो हो जाएगा y डैश इक्वल टू कैपिटल m प्लस स्मॉल m बाय 2 इंटू जी बाई के एंड दिस इंप्लाई दैट y डैश इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 इक्वल टू कैपिटल m प्लस m बाय 2 विल बी 25 इंटू जी बाई के एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां से हम कैपिटल एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डिवाइडिंग 2 बाई 1 वी हैव 5 इक्वल टू कैपिटल एम बाई 25 प्लस 1 एंड दिस इंप्लाई दैट कैपिटल एम इज इक्वल टू 100 ग्राम। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो इस रिजल्ट को हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेथड वन पर। तो मेथड वन में हम क्या करेंगे कि इस स्प्रिंग को आइडियल मान लेंगे और इसका जो मास है उसको ठीक मिडिल में मान लेते हैं। तो सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा, ये स्प्रिंग है, यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है। ठीक है, अगेन ये स्प्रिंग है और नीचे एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों स्प्रिंग अब आइडियल हो गया और साथ में इसका लेंथ एल बाई टू के इक्वल है और साथ में इसका लेंथ भी एल बाई टू के इक्वल है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज L by 2
एंड ऑल्सो दिस डिस्टेंस इज एल बाई टू इन नेचुरल लेंथ। ठीक है, अब हम दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें एक्सटेंशन y1 के इक्वल है और इसमें एक्सटेंशन y2 के इक्वल है। ठीक है, अगेन ऊपर वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k और इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k। ठीक है, बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ। ठीक है, सो वी हैव, अब इन दोनों मास को कंबाइन कर लेते हैं तो हो जाएगा m प्लस स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल टू 2k इंटू y1, 2k इंटू y1। अगेन इस ब्लॉक को देखते हैं, यहां पर mg इज इक्वल टू 2k इंटू y2। नाउ y नॉट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड दिस इंप्लाई दैट y1 के बड़े यहां से पुट करते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g बाई 2k प्लस y2 इज कैपिटल M g बाई 2k। ठीक है, सो फाइनली दिस इंप्लाई दैट y नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M g बाई k प्लस स्मॉल m g बाई 2k। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट y नॉट इज इक्वल टू g बाई k कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई 2 इंटू g बाई k। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको बिना इंटीग्रेशन के प्रूफ किया है और सेकेंड मेथड में इसको इंटीग्रेट करके प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अभी इस पोजीशन में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया और इस डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस जाकर एक डीएक्स एलिमेंट स्प्रिंग का कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स पोजिशन और ये हो जाएगा एक्स प्लस डी एक्स पोजिशन। ठीक है, तो डीएक्स एलिमेंट को कंसीडर करते हैं तो इस समय डीएक्स एलिमेंट का नेचुरल लेंथ डीएक्स के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू डीएक्स। ठीक है, तो हम डीएक्स एलिमेंट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं, तो dx एलिमेंट का मास मान लेते हैं dm के इक्वल है एंड दिस विल बी लैम्डा इनटू dx वेयर लैम्डा इज इक्वल टू m डिवाइड बाय l। ठीक है, क्योंकि इस स्प्रिंग का मास स्मॉल m के इक्वल है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k के इक्वल है तो लैम्डा m बाय l के इक्वल हो जाएगा। अगेन जब स्प्रिंग फ्रीली हैंग कर रहा है तो स्प्रिंग का जो एक्स पोजीशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेस करेगा और साथ में स्प्रिंग का जो एक्स प्लस डी एक्स पोजीशन है वो भी नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेगा। तो ये
एक्स पोजीशन है और ये एक्स प्लस डी एक्स पोजीशन है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक्स पोजीशन नीचे की तरफ वाई से डिस्प्लेस करता है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वाई। अगेन स्प्रिंग का जो एक्स प्लस डी एक्स पोजीशन है ये वाई प्लस डी वाई से डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इलोंगेटेड स्टेट में स्प्रिंग का जो लेंथ है ये डी एक्स प्लस डी वाई हो चुका है, ठीक है। मतलब स्प्रिंग का जो डी एक्स एलिमेंट है उसका नेचुरल लेंथ डी एक्स के इक्वल था और इस समय उसका लेंथ डी एक्स प्लस डी वाई हो चुका है, मतलब डी एक्स में जो एक्सटेंशन है वो डी वाई के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका टोटल लेंथ डी एक्स प्लस डी वाई के इक्वल है। अगेन इस पॉइंट पर मान लेते हैं टेंशन टी के इक्वल है और इस पॉइंट पर मान लेते हैं टेंशन टी प्लस डी टी के इक्वल है, ठीक है। और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में डी एम इंटू जी के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ वी हैव टी प्लस डी टी प्लस डी एम जी इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ पर डी टी कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एम जी, दैट इज माइनस लैम्डा डी एक्स जी, ठीक है। तो इस समय dx एलिमेंट का लेंथ dx प्लस dy हो चुका है, मतलब dx एलिमेंट में जो इलोंगेशन है वो dy के इक्वल है। तो हम इस dx एलिमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं k डैश के इक्वल है, ठीक है। नाउ k इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल एंड k डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी एक्स, ठीक है। बिकॉज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द स्प्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स जो है वो डी एक्स एलिमेंट का नेचुरल लेंथ है। तो इस तरह से एलिमेंट डी एक्स का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के डैश हो जाएगा के इन टू एल बाई डी एक्स, ठीक है। और डी एक्स एलिमेंट के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि थ्रू आउट टेंशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि टेंशन जो है वो टी से टी प्लस डी टी हुआ है, लेकिन स्मॉल डी एक्स एलिमेंट के लिए हम टेंशन को कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। नाउ टी इज द स्ट्रेचिंग फोर्स फॉर डी एक्स एलिमेंट, के डैश इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड डी वाई इज द इलोंगेशन, ठीक है। तो हमने फोर्स इक्वल टू के एक्स यूज किया है यहां पे, सो दिस इंप्लाई दैट टी इज इक्वल टू के डैश की वैल्यू यहां से पुट करते हैं के एल बाई डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। सो फाइनली we have t equal to kl into dy by dx, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो दिस इंप्लाई दैट डी टी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा kl
इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी टी बाई डी एस की वैल्यू यहां से पुट करते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट माइनस लैम्डा जी इज इक्वल टू क्यू एल इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो दिस इंप्लाई दैट डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स को इधर लेके जाते हैं और के एल से डिवाइड कर देते हैं, माइनस लैम्डा जी बाई के एल इंटू डी एक्स। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेट सी इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस लैम्डा जी बाई के एल इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स टी बाई के एल के इक्वल है फ्रॉम दिस रिलेशन। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू एल पर, मतलब इस पॉइंट पर जो टेंशन है वो कैपिटल एम जी के इक्वल है। इट मीन्स फॉर एक्स इक्वल टू स्मॉल एल डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कैपिटल एम जी बाई के एल। तो दिस इंप्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कैपिटल एम जी बाई के एल फ्रॉम दिस रिलेशन इक्वल टू माइनस लैम्डा जी बाई के इंटू एल बाई एल वन हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो यहां पर हमने ये अप्लाई किया है कि x इक्वल टू एल पर टेंशन एम जी के इक्वल हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स एम जी बाई के एल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाई दैट c इज इक्वल टू, ये हो गया g बाई के कॉमन एंड दिस इज कैपिटल एम बाई एल प्लस लंडा। ठीक है, और अगेन यहां पर c की वैल्यू पुट करके इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो दिस इंप्लाई दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस लैम्डा जी एक्स डिवाइड बाई के एल प्लस सी, दैट इज जी बाई के इंटू कैपिटल एम बाई एल प्लस लैम्डा। अगेन डी एक्स को इधर लाके इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा जी बाई के एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस जी बाई के इंटू कैपिटल एम बाई एल प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी डैश। ठीक है, तो सी डैश की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहां पर एक्स की वैल्यू जब जीरो है, ठीक है, मतलब स्प्रिंग का वो पॉइंट जो सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो उस पॉइंट का जो एक्सटेंशन है, उस पॉइंट का जो शिफ्ट है डाउन डायरेक्शन में, वो जीरो होगा। ठीक है, मतलब यहां पर
स्प्रिंग का हर एक पोजीशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ शिफ्ट कर रहा है, लेकिन स्प्रिंग का ये वाला पोजीशन जो फ्रिज सपोर्ट से कनेक्टेड है उसका शिफ्ट जीरो है, ठीक है। दैट इज फॉर एक्स इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो सी डैश की वैल्यू जीरो आ जाती है, ठीक है। सो वी हैव वाई इक्वल टू, और यहां पर लैम्डा की वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस एम जी बाई टू के इंटू एक्स बाई एल का होल स्क्वायर प्लस जी बाई के कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स बाई एल, ठीक है। सो दिस इज द शिफ्ट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब स्प्रिंग का वो पोजीशन जो एक्स पर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना शिफ्ट करेगा ये फंक्शन वो शो करता है, ठीक है। तो हमें स्प्रिंग में इलोंगेशन फाइंड आउट करना है, तो हमें ये देखना होगा कि स्प्रिंग का जो लोअर मोस्ट पोजीशन है वो कितना शिफ्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू एल पुट करने पर y जो है वो y नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू l पुट करते हैं तो y की वैल्यू y नॉट पुट करेंगे, वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी बाई टू के, ये वन हो जाएगा, प्लस जी बाई के कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अगेन एक्स वाई एल वन हो जाएगा। सो दिस इंप्लाई दैट वाई नॉट इज इक्वल टू ये हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई टू इंटू जी बाई के, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो इसी रिजल्ट को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो इस तरह से यह हमारा सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।